खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। फतेहपुर उच्च विद्यालय फुटबॉल मैदान में तैलिक शाहू गोराय उत्थान समिति की एक महासभा हुई, जिसमें बागमारा विधायक दुल्लू महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में कोडरमा जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता जी उपस्थित हुई। भाजपा दुमका जिला अध्यक्ष निवास मंडल उपस्थित हुए। सारण जिला परिषद सदस्य पिंकी कुमारी उपस्थित हुई एवं समाज के कई लोग उपस्थित हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधित करते हुए विधायक दुल्लू महतो ने कहा कि आज हमारा समाज सशक्त है, मगर राजनीतिक क्षेत्र में काफी पिछड़ेपन में है। इसका मुख्य कारण हम जागरूक नहीं है, हमें जागरूक होना होगा। हमें अपने समाज के बच्चे को करना होगा, हम एक है यह भी सभी को संदेश देना होगा और समाज के उत्थान के लिए समय समय पर कार्यक्रम करते रहना होगा। जातिवाद करना गलत है, मगर समाज के उत्थान की बात करना अच्छी है। जब तक समाज के उत्थान की बात नहीं होगी, तब तक समाज सशक्त नहीं हो सकता है। बैठक को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने कहा कि काफी तंगहाली की जिंदगी जी रहे हैं और आरक्षण मिलने से हमारा समाज सशक्त होगा। मौके पर जगत माता, विष्णु मंडल, शिव मंडल, राजेश मंडल, तुलसी मंडल, बलराम मंडल, तीर्थनाथ मंडल आदि समाज के लोग उपस्थित थे एवं भाजपा के दुमका जिला अध्यक्ष निवास मंडल एवं अन्य लोगों ने भी सभा को संबोधित किया। खबर 365 न्यूज के लिए फतेहपुर से शांति गोपाल महतो की रिपोर्ट। तेरी समाज को अधिकार दिलाने के लिए कई बार जेल जाने वाले हमारे अभिभावक जगत महतो जी, कालेश्वर बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला का प्रदेश अखिल भारतीय राष्ट्रीय